ये आया अपना मुंबई टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट एक्चुअली टर्मिनल 2 देखने में बहुत मस्त है। ये मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, एयरपोर्ट एक्चुअली अंदर से भी बहुत मस्त है। ये अपना सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस हो गया है, ऐसा प्रोसेस पहली बार देखा। ये वाली एस्केलेटर आप ज़्यादातर वीडियोस में देखे होंगे। ये 40 मिनट्स डिले के बाद अपन बैंगलोर पहुँच चुके हैं। देखिए एस्केलेटर एकदम मुंबई जैसा है। आदि का स्ट्रक्चर जो बना है ये सिर्फ बैम्बू से बना है। ये देखिए जैसे हम लोग बाहर आते हैं एयरपोर्ट के, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। तो यहाँ फिलहाल 3 एयरलाइंस ही उड़ता है। तो क्या हाल है आप लोग का, स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये आ गया एक और ब्लॉग लेके मैं मुंबई से। एक्चुअली मुंबई से क्या बोलूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई टू बैंगलोर, वापस अपने घर जा रहा हूँ। मुंबई में ज़्यादा घूम पाया नहीं, जितना दिखा पाया उतना ही घूमा हूँ। लाइक प्रीवियस 2 ब्लॉग्स में जो आपने देखा, एक दिन का था और एक नाइट लाइफ था। और बहुत सारी जगह थे जैसे जूहू चौपाटी, दादा चौपाटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन घूम पाया नहीं। अगली बार घूमेंगे वो, क्योंकि थोड़ा टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट था, वापस जाना था जल्दी, कुछ इमरजेंसी की वजह से या पर्सनल काम की वजह से आप समझ लीजिए। तो इसलिए अभी निकल रहा हूँ मुंबई से और फिर कभी आऊँगा मुंबई। और इस ब्लॉग में फ़िलहाल मैं आपको मुंबई का टर्मिनल 2 जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वो दिखाऊँगा। जब मैं बैंगलोर से मुंबई आया था तो आपको टर्मिनल 1 दिखाया था जो डोमेस्टिक टर्मिनल है, तो वो देख के उतना मज़ा आया नहीं था, क्योंकि मूवी में जैसे मैंने बोला था उस ब्लॉग में, मूवी में सब टर्मिनल 2 दिखाते हैं ब्लॉग्स में, मूवीज़ में सब। तो अभी वो देखेंगे और बैंगलोर का भी टर्मिनल 2 दिखाऊंगा जो नया टर्मिनल बनाया है। देखते हैं कैसा रहता है टर्मिनल 2 ऑफ मुंबई और टर्मिनल 2 ऑफ बैंगलोर। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट के क्या बोलते हैं एरिया में, टर्मिनल 2। मेन रोड से लेफ्ट लेके अपन जा रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा दिखता है मुंबई टर्मिनल 2। और आपको इसमें ही बैंगलोर का टर्मिनल 2 भी दिखाने वाला हूँ आज। ये आया अपना मुंबई टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सही है, लाइटिंग सही है, लाइटिंग एक्चुअली सही है ना। हमको तो जब आते हैं हमारा क्या है। वो ये निकल रहे हैं अपने को छोड़ के, बाय बाय बाय। ये पहुंच गया हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट एक्चुअली टर्मिनल 2 देखने में बहुत मस्त है। लाइक मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, ये पहली बार आया हूँ टर्मिनल 2, तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। अभी आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया है भाई, बस शब्द नहीं है भाई, सच में बहुत बढ़िया है। अभी दिखा रहा हूँ लाइटिंग्स वाइटिंग्स कितना मस्त ये है। ये मेरे ख्याल से आपको लाइटिंग्स कैमरा जस्टिफाई कर नहीं पा रहा होगा, सच में कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मेरे को अभी पता चल गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये कैमरा सच में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। आप आइए अगर आ रहे हैं तो टर्मिनल 2 से और देखिए कितना मस्त है एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2। सच में मैं तो एकदम खुश हो गया। भीड़ तो उतना दिख नहीं रहा है, अभी जाता हूँ अंदर और पहले चेकिंग करता हूँ लगेज का, मेन वही है। ये फुल ग्लास का, इसे अंदर भी दिख रहा होगा आपको। ये मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, एयरपोर्ट एक्चुअली अंदर से भी बहुत मस्त है। एक्चुअली एंट्री करते वक्त लाइक जैसे आप एंट्री करते हैं कहाँ आपको जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एयर एशिया से आ रहे हैं तो, क्योंकि मैं फ़िलहाल एयर एशिया से उड़ रहा हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ, और भी एयरलाइंस हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जितना हो सकेगा, क्योंकि बहुत बहुत लंबा एक्चुअली है क्या बोलते हैं कॉलम्स एयरलाइंस का सब, लाइक ए से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है पता नहीं, अभी देख के बताता हूँ। जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे मेन एयरपोर्ट जहाँ चेक होता है उसके बाद आप आएंगे तो एकदम सामने ही आपको बैगेज चेकिंग का काउंटर्स दिख जाएगा। लाइक ए से स्टार्ट होता है एंड ओ तक जाता है, हाँ वो तक जाता है। वहाँ से देखिए एथ से स्टार्ट हुआ और एकदम एंड में ओ तक गया है, हाँ देख आई थिंक आप देख सकते हैं ओ तक गया है, और यहाँ पर आप चेकिंग कर सकते हैं। और एयर एशिया के लिए आपको बी के पास आना पड़ेगा। ऐसे स्क्रीन्स रहेंगे हर जगह, हर एक पिलर पे जो अल्फाबेटिक है ऐसे स्क्रीन्स रहेंगे, उस स्क्रीन में एयरलाइंस का नाम दिखा देगा। उसके बाद चेक इन करने के बाद सिक्योरिटी आना रहेगा, अभी जाता हूँ मैं सिक्योरिटी उधर देखता हूँ कैसा है। ये जो
ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, एक बार पूरा दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये गया ये पूरा नीचे। मस्त है एक्चुअली, कलर मस्त है, मेरे को मस्त लगा। ये एक्चुअली कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है एयरपोर्ट के कलर, लाइक जो थीम है उसका। अभी जाता हूँ सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी से पहले आपको ऐसा अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी जाने के लिए मिलेगा, फिर सिक्योरिटी चेकिंग होगा आपका। ये वहाँ सिक्योरिटी हो रहा है, पहले अपन स्कैन किए थे, स्कैन करके सिक्योरिटी में आए थे, फिर उसके बाद जैसे ही अपना सिक्योरिटी पूरा होता है फिर अपने को स्कैन करना पड़ता है और सिक्योरिटी प्रोसेस, लाइक सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। अभी मैं स्कैन करता हूँ और फिर प्रोसेस कंप्लीट करके नीचे गेट के पास जाता हूँ। ये अपना सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस हो गया है। ऐसा प्रोसेस पहली बार देखा कि पहले बारकोड स्कैन करो, फिर उसके बाद सिक्योरिटी करो, फिर उसके बाद बारकोड स्कैन करो, फिर गेट के अंदर एंटर करो, सिक्योरिटी जो गेट हो स्कैन किए वो एंटर करो, फिर उसके बाद अपने डिपार्चर गेट के पास जाओ। अभी अपन जा रहे हैं डिपार्चर गेट के पास। देखिए ऊपर क्या मस्त है। अभी ऊपर से अपन जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर। मैं आपको बैंगलोर टू बॉम्बे वाली फ्लाइट ब्लॉग में बताया था ना कि मैं दो बार मुंबई एयरपोर्ट आया। एक्चुअली वो दूसरी बार था, एक और बार आया था 2020 में। एक्चुअली डोमेस्टिक टर्मिनल में वो पहली बार था और इंटरनेशनल टर्मिनल में आया था 2020 में। अभी फिर से ही आ गया इंटरनेशनल टर्मिनल में, वो मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन एक्चुअली ऊपर वाला भाग मस्त था, अभी नीचे आ गया हूँ, नीचे वाला लग रहा कि अरे ये कहाँ आ गया मैं। अभी दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है नीचे वाला, लाइक ग्राउंड फ्लोर जो डोमेस्टिक गेट जहाँ है, आई गेस ऑल गेट्स लिखा है। दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है आपको। ये एरिया मेरे को याद है जब मैं आया था 2020 में, लाइक गोरखपुर टू बैंगलोर वाले फ़्लाइट में, तो ये प्रॉपरली याद है। इधर ही मैंने इंक्वायरी लिया था। अच्छा है नीचे वाला, लेकिन जितना लाइक झकास ऊपर वाला था ना, नीचे वाला फ्लोर उतना मेरे को जमा नहीं। लेकिन बढ़िया है, इसका भी डिज़ाइंस, सीलिंग का सब ठीक ही है। अभी जाते हैं अपन गेट के पास। आई गेस जो ऊपर वाला डिज़ाइन था ना उतना बढ़िया, वो सिर्फ इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए था, अपने को डोमेस्टिक वाले को नीचे ही ढकेल दिए हैं, तो ये भी ठीक ही है, बढ़िया है। मेरे को मस्त लगा एक्चुअली, पहली बार आया ना लाइक कम्प्लीटली बाहर से अंदर, तो मस्त लगा। ये वाली एस्केलेटर आप ज़्यादातर वीडियोस में देखे होंगे, अब मेरे भी वीडियो में देख लीजिए। लेकिन जितनी फास्ट ये जाती है ना, उससे फास्ट आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। ये गेट के पास आके बैठ चुका हूँ। एक्चुअली बहुत स्मूथ हो गया सब कुछ, सिक्योरिटी भी बहुत आराम से हो गया, अंदर गेट एंट्री लाइक मेन बाहर से अंदर आना भी वो भी स्मूथली हो गया। जैसे मैंने बोला वो बारकोड स्कैन करना पहली बार देखा हूँ शायद, नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में नहीं जाता है, मैं तो ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाइट किया हूँ, बैंगलोर में तो किया हूँ, उधर तो नहीं था ऐसे कि स्कैन करो फिर सिक्योरिटी करो फिर स्कैन करो, ऐसा तो नहीं था उधर। अभी बात करूँ तो फ्लाइट के बारे में, फ्लाइट नंबर है I5332 और उसके बाद फ्लाइट टाइप है एयरबस A320 और उसका सीटिंग कैपेसिटी 180 है। मैंने बैंगलोर टू बॉम्बे वाले में बोल दिया था 180 है, लेकिन वो एक्चुअली एयरबस A320 नियो था, तो उसका ज़्यादा आई गेस उसका 240 रहता है, एयरबस A320 का 180 सीटिंग कैपेसिटी रहता है। तो अभी गेट के पास आए हैं, बैठे हैं। हाँ जैसे मैंने बोला टर्मिनल 2 दिखाया ना मुंबई का, उसका इन्फॉर्मेशन भी दिया हूँ, ऐसे ही बैंगलोर का भी टर्मिनल 2 दिखाऊंगा और उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और देखते हैं बैंगलोर का टर्मिनल 2 कैसा है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, इधर वॉकिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जैसे जब 2020 में मम्मी के साथ आया था, मैं मम्मी और भाई आए थे तब गोरखपुर से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर गए थे, तो थोड़ा बहुत याद आ गया। यहाँ पर मेरे ख्याल से डायरेक्ट रैंप में से वॉक करके फ़्लाइट पर जाना है, और वहाँ पर भी आई गेस वही होगा, फ्लाइट से डायरेक्ट रैंप में वॉक करके बाहर निकल जाओ, बढ़िया है। एक्चुअली मुंबई का टर्मिनल 2 देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, अब देखते हैं बैंगलोर का टर्मिनल 2 कैसा रहता है। अब जैसे फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट होता है फिर मैं आपसे क्या करता हूँ मिलता हूँ। ये रही अपनी गेट 52, इसी गेट से अपनी फ्लाइट उड़ने वाली है और अपना बोर्डिंग भी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो ये फ्लाइट में आके बैठ चुका हूँ, फ्लाइट ऑलरेडी लेट है, 9:25 को उड़ने वाला था, 9:40 हो गया, अभी बोर्डिंग हुआ, देखते हैं कब तक बैंगलोर अपने पहुँचते हैं। अभी दिखाता हूँ इसमें लेग स्पेस अब कितना है। ये एयर एशिया का सीटिंग,
ब्लैक कलर है और लेग स्पेस तो एकदम ना के बराबर है। मेरा तो एकदम नींद दब जा रहा है सीरियसली। और इसमें तीन लोग बैठे तो कंजेस्टेड हो ही जाएगा साइड रो सब। और अब बाहर का देखिए व्यू, बाहर का तो लाइटिंग उतना दिखा नहीं होगा। ये सब अंदर आ रहे हैं अभी फ्लाइट के अंदर। ये 40 मिनट्स डिले के बाद अपन बैंगलोर पहुंच चुके हैं। भैंस की आँख, अब पता नहीं ये रिक्शा मैं लूँगा कि नहीं। ये दूसरी बार है गेस यहाँ से लखनऊ गया था, तभी भी लेट हुआ था और फिर से दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मेरे ख्याल से 2 घंटे का टाइमिंग दिया था उसने, 9:30 to 11:30। अभी आपको बैंगलोर का नया एयरपोर्ट दिखाता हूँ मैं। ये डिपार्चर वेटिंग एरिया है गेट के पास, देखिए एस्केलेटर एकदम मुंबई जैसा है। इधर आप एस्केलेटर यूज़ कर सकते हैं वरना वॉक करके जा सकते हैं, वरना एस्केलेटर में वॉक करके जाइए और फास्टली पहुँचेंगे। ये देखिए अभी बन रहा है, अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है एयरपोर्ट, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। और ये दीवार देखिए पूरा एकदम ईटा से बना है, यानी ब्रिक, लाल ब्रिक से। ये रहा बैगेज कलेक्टिंग बेल्ट, ये भी मस्त है। ये देखिए डिज़ाइन बना ना हाथी का, भाई का हाथी का स्ट्रक्चर जो बना है ये सिर्फ बैम्बू से बना है, जिसको हम बांस बोलते हैं ना उससे बनाए हैं हाथी को। इधर भी है और उधर भी। ये देखिए जैसे हम लोग बाहर आते हैं एयरपोर्ट के, ऐसा कुछ डिज़ाइन है, मस्त है। एक्चुअली ये अराइवल साइड है, डिपार्चर साइड आई गेस फर्स्ट फ्लोर है, वो कभी और अब देखना पड़ेगा। अभी दोस्त वेट कर रहा है, फट दे जाते हैं। ये देखिए दूसरे एयरपोर्ट की तरह ऊपर डिपार्चर कर दिया है, नीचे अराइवल कर दिया है। नीचे उतना खास था नहीं अराइवल के समय, अब डिपार्चर तो अपन अभी जा नहीं रहे हैं, अब कभी और आएंगे तो जाएंगे और आपको दिखाएंगे। वही अपना पुराना टर्मिनल है जिसको T1 बोलते हैं, और ये अपना नया टर्मिनल इसको T2 बोलते हैं। यहाँ फिलहाल 3 एयरलाइंस ही उड़ता है, एयर एशिया, फिर उसके बाद विस्तारा, फिर स्टार एयर्स, बस यही 3 एयरलाइंस अभी उड़ रहा है। फिलहाल बारिश शुरू हो गया है, ड्रिजल पड़ रहा है, झीसा पड़ रहा है, तो अभी मैं भागता हूँ। दोस्त आया है बाइक से आया है, तो पहले निकलता हूँ घर और घर पहुँचने के बाद आपसे बातें करता हूँ कि कैसा रहा एयर एशिया का एक्सपीरियंस। घर पहुँच गया मैं, भाई क्या लेट हुआ सच में। अब अगली बार एयर एशिया लेने के लिए मैं सोचूंगा, इतना मेरा मन ये हो गया। जैसे मैंने बोला कि जब मैं बैंगलोर से लखनऊ गया था एयर एशिया में, उसका ब्लॉग आपने देखा होगा, फर्स्ट फ्लाइट ब्लॉग इस चैनल का था, तभी भी लेट किया था। लेकिन एक्चुअली डिपार्ट लेट किया था, अराइवल लाइक वहाँ पहुँच गया था जल्दी, लेकिन आज तो 9:30 का फ्लाइट 10:30 बजे उड़ा और 11:30 बजे आने वाला फ्लाइट 12 बजे आया, इसलिए ज़्यादा कुछ बना पाया नहीं मैं। मैंने बोला कि इस ब्लॉग में मैं मुंबई एयरपोर्ट और बैंगलोर के नए एयरपोर्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन बैंगलोर का नया एयरपोर्ट के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि टाइम था ही नहीं। मेरा दोस्त मधु जो आया था मेरे को पिक करने, वो लगभग 11 बजे ही आ गया था एयरपोर्ट, और मैं एयरपोर्ट लाइक क्या बोलते हैं बैगेज चेकिंग किया था, चेक इन बैगेज जब तक मिला तब तक 12:30 हो गया, और वहाँ से निकले उसके बाद 2-व्हीलर में आया था, तो वहाँ से आ रहे थे तो बारिश चालू, बारिश में भीग के कैसे चला के लेके आया। फिर जैसे ही आया फ्रेशन अप हुआ, फिर सोचा ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, ब्लॉग ख़त्म किया नहीं है अभी तक। तो एयर एशिया लेने का जैसे मैंने बोला, सोचूंगा दो बार सोचूंगा कि एयर एशिया लूँ कि नहीं लूँ। मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइंस हो गया है क्या, लाइक टाइम के मामले में एकदम बेकार हो गया है सच में भाई, लाइक रियली। शायद लेना पड़ सकता है अगर मेरे को नया एयरपोर्ट दिखाना है। जैसे मैंने बोला सिर्फ 3 एयरलाइंस फिलहाल ऑपरेट कर रहा है बैंगलोर के T2 से, नए एयरपोर्ट से, वो जो था विस्तारा। अगर मिल गया टिकट तो एयर एशिया नहीं लूँगा भाई, ये तो फिक्स है, अभी वो तो आगे पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये मुंबई वाला सीरीज आपको पसंद आया होगा। नाइट लाइफ थोड़ा मेरे ख्याल से नहीं पसंद आया होगा, लेकिन वो जो डे वाला बनाया था वो पसंद तो आया होगा।
ये तो श्योर हो। वो भी मैं क्या बोलते हैं नेशनल हॉलीडे पे चला गया था, तो बहुत भीड़ था वो भी एक था, लेकिन नाइट लाइफ का तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिर से जाएंगे मुंबई, मुंबई अब अपना ससुराल है तो वहाँ जाना ही है, जाके फिर से वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़े दिन में शायद जाऊँगा तब फिर से बनाऊँगा वीडियो। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया कमेंट करिए, अच्छा या बुरा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करिए ताकि मैं फिर से सुधारूँ। तब तक के लिए चलिए क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा और मिलेंगे अगले व्लॉग में।